वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एमकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन टाइम टेबल के बारे में, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम से है गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनका एग्जाम है वो विंटर एग्जामिनेशन यानी कि रिसेंटली अभी एग्जाम्स होने वाले हैं। और ये आप देख सकते हो प्रोग्राम जो कोड है 2C005 22। ठीक है, और ये रिसेंटली एग्जाम बहुत ही जल्दी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। बेसिकली अगर आज देखा जाएगा तो आज 21 है। ठीक है, और आई थिंक अराउंड कुछ आपके पास 11 डेज है। ठीक है, और 11 डेज में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली मैंने बाकी सब वीडियो बना दिए थे, सिर्फ एमकॉम पार्ट टू के टाइम टेबल रह गए थे। ठीक है, इनके जो एडमिट कार्ड है वो आपको 7 दिन पहले ही मिल जाएंगे, यानी कि अराउंड कुछ 26 या 27 के आसपास आपको, सॉरी 26 को तो मिलेगा नहीं, 27 या 28 के आसपास आपको एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आपके ओरल्स है, वाइवाज है, ठीक है, वो 28 के बाद ही होंगे या 26 के बाद होंगे। ठीक है, वो आपके कॉलेज वाले अपडेट कर देंगे। ये रेगुलर एग्जाम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये, और ये CBSGS। ठीक है, ये आपका CBSE पैटर्न जो होते हैं यानी कि सेमेस्टर वाइज वो है। ठीक है, इसीलिए सेकेंड सेमेस्टर का ये रेगुलर एग्जाम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट, अभी तक आइडल का जो टाइम टेबल है गाइस वो मुंबई यूनिवर्सिटी पे अपलोड नहीं हुआ, जैसे आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देन अब आते हैं टाइम टेबल पे, मैं आपको टाइम टेबल एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स रखे हुए, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग के बच्चे आ जाते हैं, तो यहाँ पे और भी कोर्सेस है जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, और बिजनेस इकोनॉमिक जिसको हम बोलते हैं, या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गया, बैंकिंग फाइनेंस के बच्चे हो गए, बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चे हो गए, अकाउंटेंसी के बच्चे हो गए, ये चार जो कोर्सेस है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्सडे 2nd फैब, ठीक है, 2nd फैब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आफ्टरनून में ये एग्जाम्स होंगे। ठीक है, 2:30 से लेके 4:30, यानी कि 2 आवर्स के आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने वाले हैं। एंड जो फर्स्ट पेपर जो सबके लिए कॉमन है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर फोर्थ को देखा जाए, फोर्थ यानी कि सैटरडे 4th फैब, ठीक है, टाइमिंग सेम है गाइस। ठीक है, और इनका जो कॉमन पेपर है वो है इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, ये दोनों सब्जेक्ट बेसिकली कॉमन होते हैं। इसके बाद से आपका जो आपके कोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, संडे मंडे एंड अगेन ट्यूजडे में, यानी कि 7th फैब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे फर्स्ट दिया हुआ है बिजनेस स्टडीज, ठीक है, कोर्स 1 पेपर 1, प्रोजेक्शन मैनेजमेंट, सॉरी हाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट है यहाँ पे फर्स्ट पेपर। ठीक है, और सेम 7th फैब कोर्सेस, ठीक है, ये कोर्सेज वाइज यहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है आपको। फिर बिजनेस इकोनॉमिक, जिसका इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स है उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग के एग्जाम्स होंगे। फिर नेक्स्ट जिनका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उनका एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। एंड आफ्टर दैट बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स 1, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वाले का पेपर है ये। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पेपर कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट थिंग और भी दिया हुआ है, जो बच्चे बैंकिंग एंड फाइनेंस के हैं उनका कॉमर्शियल बैंक मैनेजमेंट का पेपर है। एंड नेक्स्ट थिंग जो क्वांटिटेटिव के बच्चे हैं, ठीक है, उनका मैथमेटिकल मेथड, ये पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे। क्लियर, ये हो गया 7th फैब। फिर 9th फैब ये आपका लास्ट एग्जाम होगा सब कोर्सेज के लिए, जैसे बिजनेस स्टडी है पेपर 2, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इकोनॉमिक वाले बच्चों के लिए फिजिकल एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज दिया हुआ यहाँ पे। फिर अकाउंटेंसी बच्चों के लिए एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। एंड बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लान है। और उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस बच्चों के लिए फाइनेंस सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बच्चे हैं उनका स्टैटिकल मेथड के एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम से पहले यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 20 मिनट पहले ही आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल की तरफ पहुंच जाना है, ताकि बेसिकली 15 मिनट उनको लगता है, ठीक है, आपको अनाउंसमेंट करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना, तो और जो गाइडलाइन होती है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट डे जाके पता चल जाएगा, तो आपको यहाँ पे 2:30 दिया, तो आप 2 बजे पहुंच जाइए। ठीक है, 2:15 तक आप कॉलेज में इंटर कर दोगे, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में, एंड देन उसके बाद आप अपने बैग भी रखोगे, नोट्स भी रखोगे, कुछ ना कुछ रिवाइज करोगे, तो उसमें आपको टाइम लग ही जाता है। और आपको फिर बाद में जो आपका सप्लीमेंट है वो दिया जाएगा, जिसमें आपको फिलअप करने में भी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए आप पहले ही पहुंच जाइए फर्स्ट डे, तो आपको पूरा सिनारियो पता चल जाएगा, तो नेक्स्ट डे उसको सेम फॉलोअप कीजिए। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले मिलेगा,
और एडमिट कार्ड के बाद आपका जो वाइवाज है वो वाइवाज कंडक्ट किया जाएगा, या उससे पहले भी कंडक्ट कर सकते हैं, कॉलेज पे डिपेंड है ये कॉलेज किस तरीके से ये कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ये टाइम टेबल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।